अभी हम राजस्थान की ओर चलते हैं। राजस्थान का एग्जिट पोल हम आपको दिखाते हैं कि राजस्थान के गणित क्या कहते हैं और एग्जिट पोल में राजस्थान का क्या आता है, जनता का रुझान किस तरह है। यहाँ पे बीजेपी को 17 सीट मिल रही है राजस्थान में और कांग्रेस पार्टी को 8 सीट। 25 सीट 2014 में बीजेपी यहाँ जीती थी क्लीन स्वीप, और इस बार 17 सीट जीत रही है। अगर प्रोग्रेस हुआ है तो इनकी सीटें कम क्यों हो रही, मेरा सवाल यह है। अगर आपने 5 सालों में अगर इतना प्रोग्रेस किया ही है तो आपके हर राज्य में सीटें कम क्यों हो रही है। एक बात बताइए नेहा जी, कि अगर बीजेपी यहाँ 17 सीट पे अभी चुनाव जीत रही है, जो एग्जिट पोल की कह रही है, तो आप लोग 25 सीट वहाँ जीते थे, पूरी की पूरी सीट पे आपका कुछ ज्यादा वहां पर विकास हुआ, इस वजह से सीटें घट रही है। जो हमने हाथ से ये खो रहे हैं। जब हम राजस्थान में गए तो वहाँ लोगों की नाराजगी जो थी वो थोड़ी बहुत वसुंधरा राजे जी से थी, मोदी जी से नहीं थी। विधानसभा अभी भी लोगों ने यही कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि ये चुनाव जो है लोकसभा का ये मोदी जी के लिए है, इसलिए हम राजस्थान में पूरी की पूरी सीटें आएंगी। आप देखिएगा 25 सीट देखिएगा ना, आप आएंगी, अभी आएंगी तो आपका एग्जिट पोल गलत साबित होगा। यहाँ मैं आपको गलत कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है वहां 25 की 25। वहां मैं खुद प्रचार के लिए गई हूँ, राजवर्धन राठौर जी के प्रचार के लिए, और मैं सारे ग्रामीण इलाकों में घूमी हूं, तो वहां लोगों का यही है सीधी सी बात कि ये चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री जी के लिए है, तो हमें प्रधानमंत्री तो यही चाहिए, तो यहां तो आपकी सीटें पूरी आएंगी, भाजपा ही जीतेगी। जो नाराजगी थी वो लोकसभा जो विधानसभा की वो उन्होंने जाहिर की कि हम थोड़े बहुत वसुंधरा राजे जी से नाराज थे और उसका असर, उसका भुगतान करना पड़ा, लेकिन हम मोदी जी के फेवर में हैं और यहाँ आपकी पूरी सीटें भाजपा की ही आएंगी। प्रतीक जी आप तो बहुत खुश होंगे क्योंकि 2014 में आपको राजस्थान से 1 भी सीट नहीं था, अभी 8 सीट आपको मिल रही है। जी 8 नहीं, आज 8 नहीं, 15 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत रही है। सचिन पायलट ने जो काम किया है, अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है, वो तो बोल रहे कि मैं तो अभी काम किया ही नहीं। किसने कहा है जी? बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10 दिनों के अंदर जो कर्ज माफी की है, हम लोगों से बात कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि कर्ज माफी का वादा किया, कर्ज माफी नहीं किया इन लोगों ने। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो सीएम है उनके रिश्तेदारों के भी कर्ज माफ हुए, फिर भी अगर उनके रिश्तेदारों के कर्ज माफ हुए, शिवराज सिंह चौहान के रिश्तेदारों का कर्ज माफ हुआ। आप राजस्थान से कहाँ मध्य प्रदेश चले गए जी? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि 10 दिनों के अंदर हमने जो वादा किया था, सिर्फ रिश्तेदारों के कर्ज माफ नहीं करने होते ना, आम जनता के कर्ज नहीं, हमने आपके मामा जी का कर्ज माफ किया। यही तो प्रॉब्लम है कि कांग्रेस जो है वो जीजा वाली पार्टी है, जो अपने रिश्तेदारों को ही, और यहाँ भाजपा में कोई ऐसा नहीं है, मतलब मोदी जी का कोई परिवार का सदस्य जो है वो भाजपा में नहीं है। जी, प्रेमी जी आपसे एक सवाल है कि राजस्थान में क्या लगता है कि जो राफेल के मुद्दे उठाए गए, फिर उस समय जो अभी नरेंद्र मोदी के द्वारा जो आतंकवाद और राष्ट्रवाद के मुद्दे उठाए गए, या फिर किसानों के कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 2014 में वहाँ 0 पे थी और आज 8 सीट वहाँ जीत रही है, आपको क्या लगता है राजस्थान को लेकर? अभी नेहा जी ने एक फैक्ट स्वीकार किया था कि गुस्सा जो है वसुंधरा जी के खिलाफ थी। वो नारा भी लगा था कि रानी तेरी बैर नहीं और मोदी तुझसे खैर नहीं, नहीं मोदी तुझसे बैर नहीं। दरअसल मैं इस दौरान एक बार कुछ मंत्रियों के साथ भी गया था, और वैसे भी मैं 2-3 बार जब गया था, जब वसुंधरा जी वहाँ सरकार में थी, साफ साफ दिख रहा था, और बीजेपी ने बड़ी गलती की राजस्थान में, जिसका खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ा है। एक तो विधानसभा चली गई, राज्य की सरकार गई, और दूसरा इस चुनाव में भी उसका असर कुछ है जी। ये मैंने कई बार नोट किया। लोग व्यक्ति पूजा करोगे तो आपको नहीं, और हम भी यही चाहते हैं कि आप व्यक्ति पूजा कीजिए नरेंद्र मोदी की, लेकिन एक वो फायदा हम उठा दे रहे हैं। प्रतीक जी एक चीज आपको जान के बड़े हैरानी होगी, जिस वंशवाद से राजस्थान के लोग चिड़के वसुंधरा राजे से किनारा किए ना, वही वंशवाद कांग्रेस को ले डूब रहा है। ये राजस्थान की हकीकत है, वहां लोग साफ कहते हैं, जब बीजेपी कहती है ना कि वंशवाद, तो लोग कहते हैं भैया आपने वसुंधरा जी को कैसे बिठाया हुआ है, और जब लोग कहते हैं कि वसुंधरा जी ऐसे ऐसे करती हैं, राजा परिवार से हैं, रानी की तरह व्यवहार करती हैं, हमें कुछ समझती ही नहीं। मैं चर्चा नहीं करूंगा क्या क्या शब्दावली थी एक भाषण के दौरान, कैसे वसुंधरा जी ने बिहेव किया था, मैं तो पत्रकार के तौर पर गया था, मुझे अपनी खबर फाइल करनी थी, हमने की। लेकिन लोग यहाँ पे सीधे सवाल कर देते हैं कि राहुल गांधी की क्वालिफिकेशन क्या है। अब एक चीज बताइए, जब सवाल उठेंगे, दोनों जगह वंशवाद की बात है, दोनों जगह व्यवहार की बात है, तो वहां पे आप कैसे सोच सकते हैं कि आप ही को सीटें मिलेंगी? ये जो 8
एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं, ये बड़ी गेन है, बीजेपी के लिए एक तगड़ा झटका भी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस को वहां बहुत सीटें मिलने वाली हैं। अच्छा, 8 मिल जाए, 8 मिलेगी तो ये बड़ी अचीवमेंट होगी।